हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब आज क्या डिस्कस करना है हमने? इसी की एप्लीकेशन करनी है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। फिर एक नया वर्ड आ गया, टोरॉइड। क्या होता है टोरॉइड? कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? सोलेनोइड के बारे में। क्या था सोलेनोइड? कि एक वायर को एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह वाइंड कर दो, उसको हम बोलते हैं क्या? सोलेनोइड। ये हमारा क्या था? ये हमारा था सोलेनोइड। अब अगर वायर दिखाऊं तो क्या वायर ऐसे होगी? ये पूरी ऐसे वायर, ठीक है। अब इस वायर को घुमा के एक सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दो तो जो बनेगा, दैट विल बी अवर टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड इज सोलेनोइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ रिंग, दैट विल बी नोन एज टोरॉइड। मतलब एक एंडलेस सोलेनोइड, मतलब एंडलेस हो गया ना सर्कल, कोई एंड तो होता नहीं, इज नोन एज टोरॉइड। मतलब टोरॉइड है तो सोलेनोइड ही, यहाँ पे स्ट्रेट था, उसको किसी फॉर्म में कर दिया हमने रिंग की शेप में। और इसको हम कई बार बोल देते हैं क्या? टोरॉइडल सोलेनोइड। ठीक है, टोरॉइड आ जाए, टोरॉइडल सोलेनोइड आ जाए, बात एक ही है। फिर हो गया कि सोलेनोइड को जब हम रिंग की फॉर्म में बेंड कर देंगे तो वो क्या बनेगा हमारा? टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनोइड। तो कैसा दिखता है टोरॉइडल सोलेनोइड? डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम तुम्हें वीडियो में भी शो हो जाएगा, बट समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि सर्कल परफेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कोयल, यहाँ से एक कोयल। अब मैंने इसको ना, ये सोलेनोइड था, मैंने इसको ना बेंड किया सर्कुलर शेप में। कोशिश करिए बनाने की। दिस इज बी नोन एज टोरॉइड। समझ आ गया कि एक सोलेनोइड था, उसको एंड्स को पकड़ के, इसके एंड्स को पकड़ के ऐसे घुमा दिया और सर्कल में ले, वो क्या बन गया हमारा? टोरॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने इसमें से करंट आई पास कर दिया, सॉरी यहाँ से पास किया और पूरी रिंग में से घूम के यहाँ वापस आ गया करंट आई। ठीक है, अब एक छोटा सा लूप लो इसका, ये वाला लूप लेते हैं। डायग्राम में क्लियर, डायग्राम में दिखाया मैंने, ये लूप लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा लूप इसका। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट कैसे पास कर रहा है? यहाँ से गया, यहाँ से गया। ठीक है, करंट यहाँ से ऊपर से बाहर आया, नीचे से अंदर गया। ठीक है, यह ले लो जैसा डायग्राम वीडियो में शो हुआ है कि करंट यहाँ से अंदर गया देन ऊपर से बाहर आया। वीडियो में ऐसे ही इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से अंदर नीचे से बाहर। जैसे कैसे, ये अगर मैं बनाना चाहूँ कैसे, ये ऐसे। ठीक है, क्लियर कि करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे बाहर आ रहा है यहाँ से, कि यहाँ से अंदर जा रहा है। यहाँ से करंट है हमारा इनवर्ड्स। टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन फिगर दिखाना है तो इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से करंट है हमारा आउटवर्ड्स, कि यहाँ से करंट गया, जैसे मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से करंट गया अंदर, ऊपर से बाहर आया, फिर अंदर, फिर ऊपर से बाहर आया, नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आया, अंदर बाहर। ठीक है, कि नीचे वाले एंड से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और ऊपर वाले एंड से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे करंट पास कर रहा है। इमेजिनेशन करना, ठीक है, कि यहाँ से करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ 2D में, इसको सामने से देखेंगे तो क्या लगेगा? कि यहाँ से करंट अंदर गया और यहाँ से करंट बाहर आया। तो डायग्राम बनाओ, ये इसका अंदर वाला रिंग दिखाया, ये वाला रिंग। ठीक है, और
ये इसका बाहर वाला रिंग दिखाया, ठीक है, ये अंदर वाला रिंग ये दिखाया, बाहर वाला रिंग ये दिखाया। अब यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और ऊपर से करंट बाहर की तरफ लीव कर रहा है, अंदर एंटर किया बाहर लीव किया। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से क्या करंट बाहर की तरफ आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे, यहाँ से अंदर गया तो ऊपर से क्या लगेगा, बाहर की तरफ आया। तो यहाँ पे मुझे करंट दिखाना, तो मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे डॉट, कि यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया कि ये यहाँ से अंदर गया और ऊपर जब जैसे जब इसके पास पहुंचे तो करंट किधर आ गया, बाहर की तरफ, वही बोल रहा हूँ मैं। अब नीचे वाले एंड पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, तो यहाँ मुझे दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा, क्रॉस। अब जितने डॉट हैं उतने ही क्रॉस बनाने हैं, बिकॉज एक टर्न से जितना करंट अंदर जाएगा उतने टर्न से दूसरा उतने ऊपर वाले टर्न से उतना करंट बाहर आएगा, ठीक है। तो ये पूरे में ऐसे क्रॉस दिखा देना, ठीक है, बट जितने डॉट उतने क्रॉस ही ध्यान रखना, मेरे हो सकता है ऊपर नीचे, बट तुम डायग्राम बनाते हो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। समझ आ गया चीज क्या बनाई मैंने, कि यहाँ से हमने क्या देखा है, जब ये इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से करंट किधर आ रहा है, बाहर, ऊपर आएगा तो ऊपर से करंट किस तरह जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश की है इसको टू डायमेंशन में, ठीक है। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा करंट गोइंग इनवर्ड्स। अब टू डायमेंशन में इनवर्ड कैसे दिखाऊं, ऐसे कैसे दिखा नहीं सकता, तो हम क्या लगाते हैं, सॉरी ये दिखा रहा है करंट गोइंग आउटवर्ड्स। अब मैं आउटवर्ड करंट कैसे दिखा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता इस पे, तो मैं डॉट लगा देता हूँ। और जो क्रॉस है दैट इज शोइंग करंट गोइंग इनवर्ड्स। अब दो रेडियस होती है टोरॉइड की, एक तो होगी इनर रेडियस, ये आर आई, एक होगी आउटर रेडियस आर नोड। तो मैं क्या लूँगा इसमें, मीन रेडियस लूँगा, ठीक है, ये आर, ठीक है। तो आर विल बी, ये न्यूमेरिकल में पॉइंट यूज होगा, आर विल बी मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। और निकालें कैसे इसको, आर इनर प्लस आर आउटर डिवाइड बाय टू, ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम मीन रेडियस। क्लियर, डायग्राम समझ आ गया, डायग्राम ड्रॉ करो, अब इस डायग्राम की फोटो भी शो हो जाएगी, चाहे वहाँ से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, नोट करो इसे। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड यूजिंग एम्पीयर फैक्टर लॉ, ठीक है। तो हम तीन पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसमें। अब मैं इसको रब करूं रेडियस को, तीन पॉइंट के लिए निकालेंगे हम। पहला पॉइंट जो टोरॉइड के बाहर है, बाहर, तो पी इज आउटसाइड टोरॉइड। दूसरा पॉइंट जो टोरॉइड के अंदर है, ये सेंटर ऑफ टोरॉइड, ठीक है, क्यू पॉइंट इनसाइड टोरॉइड, एंड एक पॉइंट जो टोरॉइड्स के लूप के बीच में है, लूप्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड, ठीक है। या इसको पता कैसे बोलते हैं, या बोलते हैं इसको एम्प्टी स्पेस इनसाइड टोरॉइड। तो ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पी पॉइंट के लिए, किसके लिए, पी पॉइंट के लिए, फोर पॉइंट, चलो सबसे पहले ना क्यू के लिए डिस्कस कर लो, सबसे इजी है। वो कहाँ पे है हमारा, इनसाइड एम्प्टी स्पेस ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है एम्पीरियन लूप लेना। तो मैंने ऐसे एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया। मुझे बताओ क्या इसके अंदर से कोई करंट पास कर रहा है क्या, इसके अंदर तो कोई टर्न नहीं है, कोई कॉइल नहीं है, क्योंकि करंट पास करेगा नहीं। तो इसने करंट एनक्लोज कितना किया, जीरो। तो एम्पीयर सेटल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। नाउ करंट एनक्लोज कितना है, जीरो,
कि कोई करंट एनक्लोज तो किया ही नहीं, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब कि बी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब इन द स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन सेंटोरॉयड मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी, बिकॉज देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं है उस पर। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, पहले इसको नोट करो। अब नेक्स्ट 4 पॉइंट P दैट इज आउटसाइड द टोरॉइड। ठीक है, आउटसाइड टोरॉइड है। अब इसको रब कर दो तो इस लूप का काम खत्म हो गया। अंदर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, ज़ीरो। अब P पॉइंट से एक एम्पीरियन लूप लेना है ना। ठीक है, तो पूरा सर्कुलर लूप लूंगा मैं P पॉइंट से। P पॉइंट से क्या लेंगे, पूरा सर्कुलर लूप लेंगे। अब यहाँ पे P पॉइंट दिखाऊं तो यहाँ पे P पॉइंट क्या यहाँ पे होगा, तो अगर मैं एम्पीरियन लूप बनाऊं तो कैसा लूप बनेगा, ये एम्पीरियन लूप ऐसा बनेगा ना डायग्राम में, ये ऐसा एम्पीरियन लूप बनेगा डायग्राम में ना। ठीक है, तो अगेन लगाओ एम्पीरियन सेटल लॉ, B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। यही होता है ना बेशक लो। अभी किसके लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट बी के लिए। अब ध्यान से देखना कि समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्पीरियन लूप है, इसकी मैंने ये डायरेक्शन दे दी, ये क्या है एक मेरा एम्पीरियन लूप, इसकी डायरेक्शन दे दी। ठीक है, तो एक करंट यहाँ से पास कर रहा है आई, तो कितना करंट एनक्लोज किया लूप ने, आई पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है। ये चीज़ समझ नहीं आया तो एम्पीयर सेटर लॉ की फर्स्ट वीडियो देखना, तभी समझ आएगा। वैसे भी ये टॉपिक तब समझ आएगा जब तुम सारी वीडियो देखते आओगे, अदरवाइज तो टॉपिक समझ नहीं आएगा ये। अब सेम टाइम पे यहाँ से आई करंट वापस जा रहा है, तो अब नेट करंट कितना क्लोज किया, अब आई पॉजिटिव आई नेगेटिव, तो नेट करंट क्लोज कितना कर रहा है इस टाइम पे, जीरो। कि आई एन क्लोज कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जितना करंट ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे एक और पेयर आ जाए आई और ऐसे आई, तो अभी भी नेट करंट क्लोज कितना है, जीरो। ठीक है, क्यों समझाया, यहाँ देखो डायग्राम में ये पूरा लूप लिया। अब यहाँ से हर लूप में से करंट कितना जा रहा है, आई, मतलब आई एंटर कर रहा है तो आई लीव कर रहा है, मतलब ये आई एंटर कर रहा है तो यहाँ से आई लीव किया। देखो ये ऐसे टर्न बन रहे हैं, ऐसे टर्न जा रहे हैं कि यहाँ से करंट अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो यहाँ आई एंटर कर गया, यहाँ आई लीव कर गया। अब सपोज मैं एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ले लूँ तो बाहर वाले करंट पॉजिटिव हो जाएंगे, अंदर वाले करंट नेगेटिव हो जाएंगे। देखो थंब की डायरेक्शन बाहर ही आई ना, तो ये आई पॉजिटिव ये आई नेगेटिव, नेट करंट कितना, जीरो। अब जितना करंट बाहर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये चीज मैंने बताई थी। तो मुझे बताओ अगर मैं पी पॉइंट के लिए बात करूं, अगर पी पॉइंट के लिए बात करें तो नेट करंट एनक्लोज कितना है, जीरो। क्यों जीरो समझ आ गया, बिकॉज जितना करंट बाहर की तरफ उतना ही करंट अंदर की तरफ। तो अगेन बी डॉट डी एल जीरो हो गया, तो अगेन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसलिए थी क्योंकि उसमें तो करंट ही नहीं था। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जीरो है बिकॉज नेट करंट एनक्लोज जीरो है, कि करंट तो एनक्लोज हुआ बट जितना करंट बाहर की तरफ था उतना ही अंदर की तरफ, तो नेट करंट कितना हो गया, जीरो। क्लियर हो गया, तो मतलब क्या पता लगा, मैग्नेटिक फील्ड एम्प्टी स्पेस में भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी जीरो है। ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ पे होती है, इस रीजन में, इसी कोर के रीजन में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट R दैट इज इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड। 4 पॉइंट R, R यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है, कहाँ पे लिया हमने, इसकी मेन रेडियस पे जो हम ले रहे थे पॉइंट, स्मॉलर ली थी ना रेडियस, इसको स्मॉलर ले लेते हैं। चलो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती थी, यूनिफॉर्म। टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, अब मैं हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एक लूप लो तुम यहाँ पे, इस लूप में करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है नीचे से अंदर की तरफ,
और यहाँ से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ करंट है इनवर्ड्स और यहाँ करंट है आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना जरा किधर होगी, ऐसे फिंगर कर की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। हाँ आंसर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखो समझ आया कि यहाँ से करंट अंदर की तरफ, यहाँ से करंट बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। समझ आ गया, करंट अंदर की तरफ, ऊपर से करंट बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। अब अगर इस लूप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो जाएगी ना। तो जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न एक्सप्लेन किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, ये ऐसे इसी लाइन के लोग मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड पूरे उसमें ऐसे सर्कुलर रूप में ही वो हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। सोलेनोइड के अंदर तो स्ट्रेट लाइन थी, सोलेनोइड के अंदर तो क्या थी, स्ट्रेट लाइन, बट इसमें क्या है, ये ऐसे सर्कुलर रूप में घूम रही है। तो यूनिफॉर्म ना बोलो, ये बोलो कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ आया कैसे, देखो करंट यहाँ से किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और यहाँ किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो ऐसे फिंगर कर्ल की तो इस तरफ आई ना मैग्नेटिक फील्ड, समझ आया। ये ऐसे फिंगर कर्ल की, देखो नीचे से अंदर ऊपर से बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये दिखाया, जैसे यहाँ नीचे से अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ। समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब रब कर दें इसको, जो फोटो शो हुई है उसमें देख लेना, शायद उसमें ओरिएंटेशन उल्टी ना हो, कि यहाँ क्रॉस ना हो, यहाँ डॉट ना हो, ठीक है। यहाँ क्रॉस हुआ तो मतलब टर्न्स उल्टे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कैसा डायग्राम है, वो डायग्राम हो जाएगा कि यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है ऊपर से, और नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है। कि देख लो एक बार उसको भी, वो केस भी, कि कंसेप्ट से चलना, रट्टा नहीं मारना चीज़ को। कि ये फॉर एग्जांपल सोलेनोइड की वो है, कि हो सकता है वो डायग्राम ऐसे बनाओ, सारा टर्न की ओरिएंटेशन के ऊपर होता है वो, जो तुम्हें फ़ोटो शो हुई है उसमें, ठीक है। तो डर मत जाना कि सर ने क्या करवाया, फ़ोटो में क्या शो हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे सोलेनोइड बनाया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, हमने क्या लिया, यहाँ करंट बाहर आ रहा है, इसमें हो सकता है यहाँ से करंट अंदर एंटर कर रहा हो। ठीक है, डायग्राम बड़ा टफ होता बनाना ये। गिव मी वन सेकेंड, मतलब अब क्या लेंगे, अब हमने लिया कि करंट ऐसे लिया, करंट ऊपर से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और नीचे से बाहर की तरफ लीव कर रहा है। करंट ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, अब ऐसे कि अब कैसे बना, अब करंट ऊपर से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, यहाँ से इनवर्ड्स, और यहाँ से वो लीव कर रहा है आउटवर्ड्स। तो डायग्राम में यहाँ पे क्रॉस लगता है, यहाँ पे डॉट लगता है, देख रहे हैं ना वीडियो में, जो फोटो शो हुई है उसमें कैसा डायग्राम है, ठीक है, डरना नहीं है। अब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो कैसे होता, देखो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स इधर इस डायरेक्शन में, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है सर्कुलर रूप में ही, ऐसे सर्कुलर रूप में ही, बट उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो रही थी, ठीक है। इसमें डायरेक्शन कैसे थी, इस डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देखने की। इस तरह देखो, अभी यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, तो फिंगर ऐसे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर आई, फिर यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, फिंगर ऐसे जाती, तो ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो दोनों डायग्राम में से पेपर में कोई बनाओगे तो दोनों ठीक है। अब अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, हमने क्या निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी आर पॉइंट पे। तो मैंने क्या लिया, मैंने एम्पीरियन लूप लिया, ऐसे क्या लिया मैंने, एक एम्पीरियन लूप। अब देखो क्या एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर, ये भी ऐसे सर्कुलर, सेम ही लाइन के लॉन्ग है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन के लॉन्ग है तो एंगल कितना हो गया, जीरो। तो एम्पीरियन लूप के लिए, फॉर एम्पीरियन लूप, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल एट एवरी पॉइंट इज जीरो। समझ आएगा क्यों वो जीरो, बिकॉज दोनों एक ही लाइन के लोंग क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के लोंग है। अब लगाओ एम्पीयर सर्टन लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई
एनक्लोज्ड, यही होगा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, सपोज ये एम्पीरियन लूप होता, ये इस डायरेक्शन में होता और यहाँ पे करंट दिया हुआ है आई, तो व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप? बोलोगे सर आई, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसी तरफ। अब एक और करंट आ जाए तो कितना बोलोगे सर? अगेन करंट आई। फिर कितना बोलोगे सर? अगेन करंट आई। तो टोटल कितना करंट एनक्लोज कर दिया? 3 आई। तो जितने नंबर ऑफ करंट आए उतना करंट एनक्लोज कर दिया। अब देखो इसके लिए बात करते हैं हम यहाँ पे। अब मेरे एम्पीरियन लूप ये वाला है, एम्पीरियन लूप की रेडियस भी कितनी ली मैंने? आर ली। अब एम्पीरियन लूप में करंट एनक्लोज कौन सा हो रहा है? क्या ये जो क्रॉस से दिखाया क्या ये एनक्लोज हुआ करंट? नहीं, ये तो लूप के बाहर है, दिस इज आउटसाइड अवर एम्पीरियन लूप, तो इसका कोई रोल नहीं है। एनक्लोज कितना है? ये वाला करंट, ये है इनसाइड लूप। तो मुझे सिर्फ कौन सा करंट देखना है? ये वाला, बिकॉज मुझे सिर्फ कौन सा करंट देखता है? दैट इज एनक्लोज बाय द लूप। अब इसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट, ये हर एक लूप से करंट दिखा रहे हैं ना कि इतना करंट एंटर किया, तो बेसिकली ये क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उतने ही डॉट आएंगे और उतने ही क्रॉस आएंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, कि टोरॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया मैंने? एन। तो ये करंट कितनी बार बाहर आ रहा होगा? बोलोगे सर एन बार बाहर आ रहा होगा, कि एक टर्न होता तो एक बार। अब देखो जितने टर्न्स हैं क्या करंट उतनी बार बाहर आएगा? बोलोगे हाँ सर आएगा। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, एम्पीरियन लूप, कितना हो जाएगा? कितने बार करंट बाहर आ रहा है? एन बार। तो टोटल करंट कितना हो गया? एन इंटू आई। तो लगाओ ये लो। अब एंगल कितना है बी और डी एल में? एंगल 0 डिग्री है, तो बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देन बी कॉस 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट एन आई। अब डी एल क्या है? इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं ना एम्पीरियन लूप का, छोटे छोटे पार्ट्स ऐड करोगे तो क्या बनेगी? बनेगी इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी 2πr, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर में 2πr। तो ये फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। क्या फॉर्मूला आ गया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर में 2πr, वेर आर इज मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। मीन रेडियस सिखाते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है? नोट करो इसको। नाउ ये फॉर्मूला आ गया इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड का, ठीक है? अब एक चीज होती है n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने कल बताया था ना सोलेनोइड में, कि अगर किसी सोलेनोइड की लेंथ l हो, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n हो, तो n विल बी कैपिटल n बाय l। ये बताया था। अब ये जो सोलेनोइड है किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। अब एक सर्कुलर फॉर्म में अब इसकी लेंथ कितनी होगी? बोलोगे सर इसकी लेंथ होगी 2πr, अगर r इसकी रेडियस है। कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होगी? बोलोगे सर 2πr। सर्कल को ओपन अप करो 2πr होगा। तो अगर यहाँ पे एक सोलेनोइड होता है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, जैसे सोलेनोइड, ये क्या बन गया हमारा टोरॉइड, इसको ओपन किया तो इस टोरॉइड या इस सोलेनोइड बना, उसकी लेंथ कितनी बनी? 2πr। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। तो स्मॉल n क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाय 2πr। तो n बाय 2πr को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू नॉट एन आई। देखो वही सेम फॉर्मूला आ गया जो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, हाँ वही फॉर्मूला आ गया। देखो म्यू नॉट एन आई बाय 2πr, n बाय 2πr क्या बन गया? n। तो ये 2πr, इसमें लेंथ कितनी बन गई सोलेनोइड की? 2πr, और कल हम क्या ले रहे थे? l। तो बस वही डिफरेंस है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में दिया हुआ है। बस टोरॉइड में क्या डिफरेंस आता है, कि टोरॉइड की सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर रीजन में कन्फाइंड है, कोर में, ना बाहर है ना ही एम्प्टी स्पेस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड का मतलब उसी में लिमिटेड है, विद इन कोर ऑफ टोरॉइड, कि मैग्नेटिक फील्ड उसी रीजन में है, तो हम अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो क्या पता लगा कि इस टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0।
एम्प्टी स्पेस में भी कितनी है? जीरो. सिर्फ कहाँ पे है? कोर में. उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोड एन आई. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और अगर इसको लिखो नंबर ऑफ टर्न्स में, तो म्यू नोड एन आई ओवर टू पाई आर. और इस आर को हम क्या ले लेंगे? मीन रेडियस. क्लियर? तो ये डेरिवेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड की. तीनों पार्टिकल डिस्कस कर लिया. अब एक क्वेश्चन की फोटो शो होगी, फिर इसको डिस्कस करेंगे. नोट कर लो इसे. अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है? हमारे लेक्चर में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ कवर रहते हैं. बोला एक सोलेनोइड है, टोरॉइड है, उसी कोर है नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की. अब इससे क्या फर्क पड़ता है अगर ये फेरोमैग्नेटिक होता, ये तुम्हें मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है? बट अभी के लिए सोचो कि ये दिया ही नहीं कुछ ऐसा, ठीक है? मटेरियल की टाइप होती है ये, फेरो नॉन फेरो, ठीक है? अब इसकी इनर रेडियस दी है 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दिया 26 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिया 3500, करंट दिया 11 एम्पियर. बोला मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पहला तो आउटसाइड द टोरॉइड, सेकंड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, थर्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है सोलेनोइड का, टोरॉइड का? हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के इनसाइड कितनी होती है? जीरो. इसको तो पढ़ के आ ही चुके हम, तो इसका पार्ट तो जीरो आ गया. इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड, इसका मतलब अंदर है कि एम्प्टी स्पेस जो है ना टोरॉइड जिसके बाहर बना हुआ है उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, जीरो. देन हमने क्या पढ़ा है? आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? जीरो. तो मतलब इसका आंसर भी जीरो है. बस्ती कहाँ पे है? इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड. तो इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नोड एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक दिया होता तो यहाँ म्यू नोड नहीं लिखते, क्या लिखते? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ बी विल बी इक्वल टू म्यू नोड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोरॉइड है ना तो एन बाय टू पाई आर. टोरॉइड हो तो सोलर सर्कल फॉर्म में हो गया ना, तो लेंथ कितनी होगी? टू पाई आर इंटू में आई. म्यू नोड की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू 3500, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, अब मैंने बोला था ना ये आर क्या होता है, यार मीन रेडियस होता है. अब देखो क्वेश्चन में आ गया ना इनर रेडियस आउटर रेडियस, तो आर मीन रेडियस कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाय 2, तो दैट विल कम आउट टू बी 25.5 सेंटीमीटर. तो इन पॉइंट को ध्यान रखना कि आर इन दोनों में से कोई लेना, इनका मीन लेना. तो 25.5 सेंटीमीटर में से कन्वर्ट इनटू मीटर, -2 इंटू में आई, दैट इज 11. तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो नोट कर लो तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन. तो आज का पूरा लेक्चर हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ की अगली एप्लीकेशन पे था, दैट इज टोरॉइड. टोरॉइड क्या पढ़ा हमने? क्या होता है टोरॉइड? टोरॉइड इज अ सोलेनोइड वाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. सोलेनोइड के एंड को घुमा के एक रिंग की शेप बना दो. तो क्या पढ़ा हमने टोरॉइड में? कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? जीरो. जो अंदर स्पेस है खाली इसमें भी कितनी है? जीरो. सिर्फ कहाँ होती है? जो टर्न्स के बीच में कोर है उसके बीच में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज यूनिफॉर्म. फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, वे स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल एन अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड, दैट इज 2 पाई आर. सॉरी लेंथ ऑफ टोरॉइड, दैट इज 2 पाई आर. तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है?